हूँ और इस जगह पे नवरात्रा को लेके आज खास भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है। इसके साथ ही पूरे मंदिर को विद्युत और कई तरह के फूलों से सजाया गया है। देख सकते हैं मंदिर पीछे इस जगह पे काफी बेहतरीन लाइटिंग की गई है। पूरा सीढ़ी नीचे से लेके ऊपर तक लाइट की विशेष व्यवस्था की गई। हमारे सामने यहाँ पे रामगढ़ से पहुंचे हुए कई श्रद्धालु हैं। आइए जानते हैं कैसा लगा इनको। इतने मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनको कि इस जगह पे कैसा लग रहा है, मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। ये जानते हैं क्या नाम हुआ आपका? रविकांत कुशवाहा हुआ। हम लोग रामगढ़ से आए हुए हैं और विद फैमिली और दोस्तों के साथ आए हुए हैं। खूबसूरती आज यहाँ का देखने लायक है और लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। पिछले बार से उम्मीद है बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार और हम लोग सब माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। क्या चाहते हैं माँ से इस बार? इस बार तो है कहते हैं कि ये विश बताया नहीं जाता है, वैसे मांग के तो जा रहे हैं। माता रानी जरूर पूरा करेंगी और आप सबका भी विश पूरा करें माता रानी, यही माँ से दुआ है। चलिए आपको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंदिर के बारे, इस जगह के बारे बताया कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी भव्य सजाया गया और पिछले बार से काफ़ी अच्छा भीड़ है। हाँ बिल्कुल। चलिए हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और चैनल तो आपका बहुत पॉपुलर है रामगढ़ में और जितने लोग भी इनको देख रहे हैं सबको सपोर्ट करिए और लोकल न्यूज जानने के लिए बेस्ट चैनल है रामगढ़ का। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और मैं अभी रामगढ़ जिले के सबसे चर्चित और सबसे पुरानी मंदिर माँ महामाया माँ टुंडी के पहाड़ों पे हूँ और इस जगह पे आज नवरात्र के मौके पे आज यहाँ पे माँ महामाया की पूजा की जा रही है। देख सकते हैं अभी हमारे चारों तरफ मंदिर में इस जगह पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है और हर साल इसी तरह से यहाँ पे इस तरह का भीड़ रहती है, लेकिन इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा भक्तों में उत्साह है जिसे लेके यहाँ का मंदिर है इस जगह पे काफ़ी भीड़ है। तो आप देख सकते हैं माँ महामाया का जो ये यहाँ पे प्रतिमा देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है और ये मंदिर लगभग 250 से 300 वर्ष पुरानी मंदिर है। इस मंदिर की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो कि यहाँ के पुजारी जो लगभग 20 वर्षों से इस मंदिर में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं और यहाँ के पुजारी जो है जो कि यहाँ से 20 वर्षों से जो कि इस जगह पे अपना योगदान दे रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। बाबा क्या मंदिर की कहानी है, क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ लगभग 22 से 300 वर्षों से भगवती की पूजा अर्चना हो रही है। पहले आसपास के ग्रामीणों के द्वारा ही पूजा का कार्य संपन्न होता था, इधर 20 वर्षों से संस्था बना करके विधिवत पूजा भगवती का की जा रही है। विशेष दोनों नवरात्रि में भगवती की पूजा अर्चना का यहाँ शुभारंभ 20 वर्षों से ही हुआ है और ऐसी मान्यता है कि जो भी लोग यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं उनकी हर मनोकामनाएँ पूरी होती है। भगवान शंकर का भी स्थान यहाँ एक गुफानुमा है, वो भी काफ़ी प्राचीन है। वहाँ साक्षात नाग देवता विराजमान रहते हैं। श्रावण मास के महीने में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, नाग देवता का दर्शन करते हैं। ट्रस्ट के द्वारा इस वर्ष विशेष आयोजन किया गया है, विद्युत प्रज्ञा और भोग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। 2 वर्षों से पूजा में रुकावट होने के कारण, कोरोना के कारण श्रद्धालुओं में उत्साह की कमी थी, इस वर्ष काफ़ी उत्साहित हैं लोग, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि भगवती सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। धन्यवाद बाबा। एक और बात यहाँ पे सुना है, ऐसा मान्यता है कि इस जगह पे जो भी भक्त आते हैं खाली हाथ में लौटते, क्या रहती है इसका? देखिए, ऐसा विश्वास है फलदायकम, विश्वास करके जो भी व्यक्ति यहाँ माँ के पास आया है, विगत 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष कि सबकी मनोकामना माँ पूरा करती है। विश्वास करके जो आएंगे उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि यहाँ के पुजारी ने बताया कि 20 वर्षों से ये अपना इस मंदिर में योगदान दे रहे हैं और यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से कामना करते हैं वो माँ उनकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। तो आइए और भी श्रद्धालुओं से हम जानने का प्रयास करते हैं। इस जगह पे बहुत सारे श्रद्धालु भी आए हुए हैं, उनकी कुछ कहना हम लोग बात करेंगे।
क्या है इस मंदिर की? सबसे पहले तो सबको जय माता दी। इस मंदिर की एक खास खासियत यह है कि ये सात गांव का मंदिर है। यहाँ पे सात गांव के लोग किसी भी तरह की विपदा आती है, आपदा आती है, फसल से संबंधित हो, जानवर से संबंधित हो, या खुद पे अगर किसी तरह की आपदा आती है, तो सबसे पहले लोटे में जल लेके, नई फसल की फसल लेके यहाँ पे चढ़ाई जाती है। माँ से ये मन्नत मांगी जाती है कि ठीक होने पर हम आगे यहाँ पूजा करेंगे। तो वो अपने हर तरह से जो जैसे सक्षम रहते हैं वहाँ के पूजा। अभी देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे पहुँचे हुए श्रद्धालु जो कि पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। इन्हें पता चला कि यहाँ पे महामाया मंदिर में काफी पुरानी मंदिर है और यहाँ पे भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है माता। तो आइए जानते हैं रास्ते में कौन सो रहे हैं, इन लोग रास्ते में हमें अपना एहसास हो रहा है। यहाँ पे यहाँ का जो माहौल है एकदम लग रहा है। क्या कहेंगे इस जगह के बारे में? ये जो आप देख रहे हैं माँ का दरबार, ये प्राचीन कालों से आधुनिकी मार्ग को भी चलती है। यहाँ पे काफ़ी सालों पहले ये जंगल झाड़ हुआ करते सर भक्तों के कारण यहाँ पे मंदिर का निर्माण है और ये भक्तजनों के ही सहयोग आज के भक्तिमय का माहौल दिख रहा है। पिछले दो साल से कोविड के कारण हमारे सारे भक्त यात्री जो आज माँ के दरबार पहुँचे हैं श्रद्धापूर्वक अपने मन कामना को लेके, जो माँ सबके लिए गलती काफ़ी अच्छा, माँ का दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा कुछ पूजा हुआ माँ का। सीढ़ी में चढ़ने में तकलीफ तो होती है, लेकिन यहाँ की सीढ़ियाँ जो है वो बहुत छोटे छोटे स्टेप में है। चढ़ने में आनंद भी आता है और मज़ा भी आता है। काफ़ी थक गए हैं? हाँ, सीढ़ी चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना तो थकावट तो होती ही है, लेकिन माँ का दर्शन तो करना है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे सीढ़ियाँ कितनी भी ऊँची का क्यों ना हो, लेकिन माँ का दर्शन जो है वो तो करना ही है। तो चलिए अभी चलते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो।